आज मैं आ चुका हूँ आपको पटना के डबल डेकर जो कि 2.2 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका अपडेट। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ कमी लगे, कुछ और भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपका दोस्त रोहित आपके अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत करता है। कोशिश करूंगा कि छपरा में जो 3.7 किलोमीटर का डबल डेकर ब्रिज बन रहा है, इससे भी काफी बड़ा है ये बताया जा रहा है। जल्द ही मैं कोशिश करूंगा मैं छपरा जाऊं और आपको अपडेट दे सकूं। जितने भी वीडियो का अपडेट दे रहा हूं उसका फाइनल लुक तैयार होने के बाद भी आपको अपडेट दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट तुरंत तुरंत मिल सके। तो कितना काम हो पाया है, कितना बन पाया है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें आपको काम का जो भी है जिस तरह से बन रहा था उसका सारा अपडेट वीडियो में दिया गया है। आज के वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सफर फिर से शुरू हो चुका है कारगिल चौक से, और मैं बता दूं कि इसको बनाने के लिए 422 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण 3 साल में कंप्लीट करने का अनुमानित लक्ष्य है। इस निर्माण के दौरान कुछ भवन भी तोड़े गए, कुछ तोड़ने को जरूरत के अनुसार बाकी हो सकते हैं। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे अभी जैसे कि NIT की तरफ से ब्रिज बन रहा है, और वैसे वैसे काम जो है कारगिल चौक की तरफ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप शुरू से देख रहे हैं जहाँ से नाले का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ नाला का ये पाइप भी बिछाया जा रहा है, साथ ही पिलर पाइलिंग का काम भी आपको कारगिल चौक की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों कारगिल चौक की तरफ से हम NIT मोड़ की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, और हम पहुंच जाते हैं सिविल कोर्ट के सामने जहां पे इस तरह से ये रोड पे ये रस देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है क्या है, और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की तस्वीरें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाते हैं PMCH के गेट नंबर 2 के सामने। जिस तरह से PMCH के लिए मरीन ड्राइव जैसे रास्ते से एक रोड कनेक्ट किया गया है, उसी तरीके से ये जो डबल डेकर ब्रिज है इससे भी एक रास्ता खास PMCH के लिए अंदर की ओर जाएगा। इसके बाद बिना ट्रैफिक में फंसे रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 2 रास्ते हो जाएंगे, एक मरीन ड्राइव की तरफ से, एक अशोक राजपथ की तरफ से। जब अस्पताल का विस्तार हो रहा है तो पहले से तो ही भीड़ रहती थी PMCH में, इसमें और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस को ट्रैफिक में ना फंसे, कभी कोई रोगियों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको 2 रास्ते दिए जा रहे हैं ताकि बिना ट्रैफिक में फंसे ये अपने गंतव्य तक सही समय पर रोगियों को अस्पताल पहुँचाया जा सके। चित्र में आप देख सकते हैं दोनों एक साथ ब्रिज उतरे थे, लेकिन एक ब्रिज यहीं पे समाप्त हो जाएगा थोड़ी दूर जाके, और एक ब्रिज उसके आगे जाके समाप्त हो। किस तरीके से इसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से बन रहा है, क्या क्या इसमें उपयोग हो रहा है इसे बनाने में, आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। चित्र में आप देख सकते हैं इन आयरन गेज को जोड़कर इन्हें गार्डर का रूप दे दिया गया है, और ये रोड यहाँ से उतर के यहाँ जमीन में मिल जाएगा। इस चित्र में आपको जो गार्डर दिख रहा है इस पे पिचिंग और फिनिशिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है।
आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैंने देखा कि गार्डर को ऊपर की ओर पिलर पे लॉन्च करने की तैयारी की जाए, जिस तरह से ये है उसी तरीके से आप देख सकते हैं मशीन के द्वारा गार्डर को ऊपर उठाया जा रहा है इस आयरन गेज को, और इसी पे जोड़कर पीच बैठाया जाएगा और उसे ढलाई करके रोड का रूप दिया जाएगा। जिस पिलर पे लॉन्च करना है वही पिलर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पिलर से इस जो बड़े वाले पिलर जो छड़ वगैरह दिख रहा है इस पे लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस होगा जहाँ मशीन वगैरह लगा हुआ है, और हम पहुँच चुके हैं NIT मोड़ के पास में। पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए।